आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश खबरों का बादशाह। सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिए सभी जिलों में बाहर से आए हुए लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन सरकार की यह व्यवस्था अब कुछ जगहों पर फेल होती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं कुशीनगर में नेपुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम लक्ष्मीपुर की, जहां बाहर से आए हुए 6 लोगों को गांव के प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, जिनका कहना है कि उन्हें खाने से लेकर पीने तक की किसी भी तरह की कोई व्यवस्था मुहैया नहीं कराई जा रही है। क्वारंटाइन सेंटर में भीषण गंदगी के बीच ये लोग अपना समय काट रहे हैं, जिससे गांव के लोगों में एक आक्रोश व्याप्त है। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर में लॉकडाउन के बाद बाहर से आए लोगों को आइसोलेट करने के लिए जिम्मेदारों द्वारा प्राथमिक विद्यालय में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। आइसोलेट किए गए 4 लोग उदयभान राजभर, सुदामा प्रसाद, पिंटू और छोटे लाल मुदेशिया को बाहर से आए हुए लगभग 6 दिन हो गए हैं, लेकिन वहां कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचा है। यहां तक कि इन चारों का नाश्ता और खाने की व्यवस्था उनके परिजन ही घर से लेकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन लोगों को खुले में शौच के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, क्योंकि विद्यालय परिसर में बना हुआ शौचालय जिम्मेदारों की उपेक्षा के चलते गंदगी के अंबार से भरा हुआ है। क्वारंटाइन किए गए लोगों के परिजनों और अनेकों ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत के द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं करने पर सारी व्यवस्थाएं हमारे ही परिजन कर रहे हैं। आइसोलेट किए गए लोगों के कमरों के बाहर अनेकों जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ है। वहीं क्वारंटाइन सेंटर पर सैनिटाइजर तथा साबुन तक की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ग्राम सभा में तैनात सफाई कर्मी भी साफ सफाई पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते ग्रामीण किसी अन्य और संक्रामक बीमारियों की चिंता के साए में डर डर के जी रहे हैं। अगर जिम्मेदार ग्राम प्रधान का रवैया गांव के प्रति ऐसा ही रहेगा तो ऐसी परिस्थितियों में ये महामारी कैसे खत्म होगी। अब देखने की बात यह है कि प्रशासन कब इन लोगों की सुध लेगा और कब इनकी जरूरतों की सुविधा मुहैया कराएगा। कुशीनगर से वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपका नाम? उदयभान। विद्यालय में आप कितने दिनों से रह रहे हैं? पांच दिन हो गया। और बाहर से आए? कहाँ से आए? गोंडा और मानिकापुर के बीच से आए हैं। तो आप विद्यालय में रुके हुए? हाँ, रुके हुए। बाकी लोग आप कहाँ से आए हैं? आप? काठमांडू से। मानिकापुर से। मानिकापुर से कितना दिन हो गया रहते हुए? लगभग हो गया 6-5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया आप रहते हुए। अच्छा, क्या क्या सुविधा मिला है इधर आपको? प्रधान के द्वारा से कुछ भी सुविधा नहीं मिला। खाना वगैरह कहाँ से खाते हैं आप? घर से मंगा कर खाते हैं। आप 4 लोग घर से खाना वगैरह खाते हैं? नाश्ता पानी सब घर से? घर ही सारा। अच्छा, बताइए जो अपना ओढ़ना बिछौना खटिया मचिया है वो सब घर से? यानी ग्राम पंचायत की तरफ से कोई सुविधा नहीं है? अच्छा, होते हैं जो क्वारंट सेंटर बनाया इसके अगल बगल में गंदगी का अंबार हुआ, ग्राम प्रधान आते तो शिकायत नहीं करते हैं आप लोग? शिकायत करते हैं प्रधान, कोई कुछ नहीं, कुछ सुनता ही नहीं है। अच्छा, कितना दिन हो गया आप लोगों को? आपको कितना दिन हो गया रहते हुए? 5 दिन हो गया। और आपको? 2 दिन हो गया। आपको? हमको 4 दिन हो गया। और आपको? 5 दिन। 5 दिन हो गया। 5 दिनों प्रधान के द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली है? कोई डॉक्टर वगैरह जाँच के लिए? अच्छा, मौके पर ग्राम विकास अधिकारी सेक्रेटरी आए थे आप? और कोई नहीं आया था? सफाई कर्मी आते हैं? नहीं आते हैं। सफाई कर्मी भी नहीं आता है? सिक्योरिटी साहब भी नहीं आते? सफाई कर्मी आए थे, जिस दिन आए थे उसी दिन झाड़ू लगा चले गए। हाँ, अच्छा, उसे नहीं बोले थे अगल बगल में साफ करने के लिए? ये तो मान लीजिए अगल बगल में पूरा गंदगी का, ये जो पूरा आप लोग जहाँ पर है क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया गया, इसके अगल बगल में पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सफाई कर्मियों को आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए कहाँ या कहना आप सफाई कर दो, हम लोग जहाँ वहाँ पर गंदगी फैली। अच्छा, बताया शौचालय के लिए आप लोग कहाँ पर जाते हैं? कहा विद्यालय का शौचालय में नहीं जाते आप लोग? विद्यालय शौचालय आप जाकर खुद देख लीजिए कैसे है। अच्छा, विद्यालय का शौचालय ध्वस्त है क्या? मौके पर रखपाल साहब आए थे? रखपाल साहब? कोई अधिकारी नहीं। अच्छा, पीने के लिए आप लोग पानी कहाँ से पीते हैं? नलके से पानी? नलके का पानी पीते हैं आप लोग? प्रधान जी क्या कहते हैं जब कुछ कहते हैं खाना वगैरह के लिए? कहते हैं तो कुछ सुनता ही नहीं है प्रधान जी? कुछ नहीं सुनते हैं? कुछ भी नहीं सुनते हैं। डॉक्टर साहब वगैरह जांच पड़ताल के लिए आए थे? कोई नहीं आया। अभी कोई नहीं आया है?